और एक न्यू वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। वेलकम टू मधु चैनल। मौसम चेंज की वजह से कभी गर्मी कभी बारिश होता है, इसलिए फीवर आने के चांसेस बहुत है। फीवर कम करने के लिए मैं ऐसे एक आयुर्वेदिक रेसिपी आपके सामने लेकर आई हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आयुर्वेदिक प्राकृत के द्वारा हर रोग के समस्या का समाधान उपलब्ध है। हमारे आसपास के प्रकृति में कई औषधियाँ छुपी है जिनके बारे में हमें बिल्कुल नहीं जानते। उसमें से एक है पीपल। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ों को पूजा करते हैं, लेकिन आप जानते हैं पीपल की पत्तियों से फीवर भी कम होता है। हमारे क्वार्टर के नीचे छोटे छोटे पीपल के पेड़ हैं, उसमें से कोमल पत्तियाँ निकाल रही हूँ, जैसे वीडियो में दिख रहा है। इस कलर का पत्तियाँ 5 से 10 लेना है। प्रकृति ने हमको इतना अच्छा पेड़ पौधे दिए हैं, लेकिन उसका फायदा कोई भी आजकल नहीं उठाता है। आज हम पीपल की पत्तियों से फीवर कम करने के लिए काढ़ा बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए 5 से 10 पीपल की पत्तियाँ, पाम क्रिस्टल, नहीं तो गुड़, नहीं तो हनी और एक ग्लास वाटर लेना है। पहले इस पत्तियों को साफ पानी से पहले धो के निकालें। उसके बाद एक बर्तन लेना है, उसके अंदर ये पत्तियों को छोटा छोटा पीस में काटे, नहीं तो कूट के भी डाल सकते हैं। इस पत्तियों में एंटी फंगल एंटी इंफ्लेमेटरी एनालिसिस भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। फीवर आने के कारण कुछ भी हो, किसी टाइप का फीवर हो, इस काढ़े से ठीक होगा। फीवर की वजह से जो बॉडी पेन होता है उसको भी ठीक करता है। इसके अंदर एक ग्लास पानी डाल के गैस के ऊपर चढ़ाए। इसके अंदर पाम क्रिस्टल नहीं तो गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। ये दोनों नहीं होगा तो फिर काढ़ा बनाने के बाद हनी ऐड करके पी सकते हैं। जब फीवर हो इस काढ़े को मॉर्निंग आफ्टरनून नाइट 100 ml 3 दिन लगातार लेना है। अब ये बॉयल होना शुरू हो गया है, 5 से 10 मिनट तक अच्छा से बॉयल करें, फिर गैस बंद करके ठंडा होने के बाद स्ट्रेन करें। फीवर आने पे हम लोग क्या करते हैं, पैरासीटामोल एस्ट्रिन 3 दिन लगातार 6-6 घंटे में हम लोग खाते हैं। इसकी वजह से हमारा लीवर खराब होने का चांसेस बहुत है। मेडिसिन की जगह इस काढ़ा को बना के पिए, स्वस्थ रहिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।